अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आज हम आपको मूली का पराठा बनाना बताएंगे, जो कि बड़ों और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसे पराठे को एज ए स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं और सुबह नाश्ते में तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसे दही की रायते के साथ और चाय के साथ खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मूली ली, मूली को मैंने कद्दूकश किया इस तरह करके, इसके अंदर से सारा पानी निचोड़ लिया कि ये बिल्कुल ज़रा ड्राई फॉर्म में आ गई। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई है। उसके बाद हमारे पास 2 कप आटा है, इसमें हम एक, इसके बाद हमारे पास सब्ज मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, अनारदाना है, अजवाइन है, हल्दी है, जिंजर है, ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्चें हैं, साल्ट है और रेड चिली है, लाल मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हम आटा, इसके अंदर धनिया है, सबसे पहले हम इसके अंदर आटा लेंगे। आटा को भूनने के लिए इसमें मैंने 1/2 स्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसको एक नॉर्मल पानी लेके उसके साथ इसे गूंद लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी यूज़ कीजिएगा। पहले मैंने नमक और ऑयल को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लिया। आप आटा कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को होल व्हीट अच्छा लगता है और कुछ लोग वाइट आटा पसंद करते हैं, लेकिन जो मेरे पास आटा है ये इस वक्त होल व्हीट आटा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसको ऐसे करके बनाते जाएं, और थोड़ा थोड़ा पानी डालें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और नरम आटे से पराठा इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें और फिर आप इसको ऐसे करके मिक्स करते जाएं, एंड तक क्यों कि आपका सारा आटा गूंदा जाए। जी, आप आटा हमारा अब रेडी है, इसको हमने 10 मिनट के लिए अब रखना है। आप इसे किसी भी रुमाल से या टॉवल से ऐसे इसको कवर कर सकती हैं और 10 मिनट के लिए आपको हमारा आटा रेडी हो जाएगा। और उतनी देर में मैं आपको बताती हूँ, मैं ज़रा हाथ धो लूँ आटे वाले, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी नाज़रीन, मैं आपको बता रही थी कि ये हमारे पास मूली है। मूली में हम सबसे पहले, ये मेरे पास पराठा 4 से 6 पराठे बनाने के लिए अनफ होगा, इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून एंड 1/2 साल्ट डाल दिया, 1 टेबल जो है वो कुटी हुई, ये 2 कुटी हुई मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा हल्दी डाल दी। और नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ज़ीरा जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर पराठे में यूज़ करना चाहिए। इसके साथ आपको इसके बहुत से फ़ायदे भी नज़र आएंगे कि बहुत जल्दी यह हज़म कर देता है। इसमें मैंने 1/2 स्पून जो है वो ज़ीरा लिया, इसमें मैंने ये तकरीबन 2 कुटी हुई ग्रीन मिर्चें ली हैं और 1 स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 एंड थोड़ा सा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मसाले जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत स्पाइसी पसंद आते हैं और कुछ लोगों को थोड़े लाइट पसंद आते हैं। सो अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप ज़्यादा स्पाइसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे हमें थोड़े कम पसंद आते हैं, इसलिए ये इसके अंदर थोड़ा सा मैं अनारदाना 1 चम्मच, 1 एंड 1/2 स्पून नमक वो डाल दूँगी, थोड़ी सी इसके अंदर कुटी हुई अदरक है, और अदरक ये आपके लिए बहुत, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद थोड़ा सा 1 चम्मच जो है मैं ज़ीरा ले रही हूँ, ज़ीरे को मैंने हल्का सा भुना हुआ है, और इसके बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी जो कि 1 चम्मच होगी। उसके बाद इसमें मैंने धनिया डाल दिया, धनिया ऑलमोस्ट ये मेरे पास 1/2 कप होगा, और बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से अपने हाथ से इसको मिक्स कर लें। लेकिन नाज़रीन, याद रखिएगा कि मूली के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा तो आपका पराठा इतना अच्छा नहीं बनेगा, आटा जो होगा वो बार बार टूट जाएगा। तो सो प्लीज़ इसके अंदर से आपको पानी सारा निकाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सारे मसाले जो हैं इसके अंदर चला जाए।
जी माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आटा जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है और मसाला भी रेडी है, हर चीज़ रेडी है। तब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा सा अपने हाथों को ऑयल लगा ले, इसके साथ थोड़ा हाथ आटा जो है आपके फातों को लगता लिए। इस तरह छोटे छोटे अपने पेड़े बनाने हैं अपनी, ऐसे करके। एक और हम बना लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। अगर आप पेड़े बना के एक दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो ये बहुत अच्छे बेले जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे ही स्टार्ट करूंगी। इसको थोड़ा सा फीका लगा लिया मैंने, इसको ऐसे करके आप बेल ले। एक छोटी सी रोटी बना ले। ऐसे करके इसमें हमारा मेजा आ जाएगा। इस तरह दूसरा पेड़ा भी ले और सेम उसको भी आप छोटा सा से बेल ले। मैं आटा यहाँ से हटा देती हूँ। अब इसके अंदर मैं इसकी जो मूलियों का हमने अमेजा रेडी किया था वो इसके अंदर डालूंगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़्यादा डाल सकती हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा डालना चाहते हैं थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल डालना चाहिए कि जब आप रोटी बनाएं तो ये रोटी से बाहर ना निकले, पराठे के अंदर से बाहर ना निकले। मैंने इसको ऐसे ले लिया और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ये घी डाल दिया और थोड़ा सा मैंने ऐसे खुश्का डाल दिया। और ये जो मेरा जो हमने रेडी करके पहले एक छोटा सी रोटी बनाई थी उसको इसके ऊपर रख के अपने हाथों से अच्छा सा इसको ऐसे करके दबा दें कि जब आप इस रोटी को बेलें, पराठे को बेलें, तो ये बाहर ना अमेजा बाहर ना आ सके। और फिर ऐसे कर लें। ये देखें, अगर आप अपनी फिंगर से ही ऐसे बनाना चाहें तो ये पराठा आपको बेलने की भी ज़रूरत नहीं, आपकी फिंगर के साथ ही इतना अच्छा सा बन जाएगा। अगर आप फील करें कि नीचे लग रहा है, थोड़ा सा नीचे खुश्का डालें और इसको देखें कितना अच्छा और आराम से आपका पराठा रेडी है, आपको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने अपनी उंगलियों के साथ ही इसको अच्छा सा राउंड में बेल दिया। मैंने ऑलरेडी अपना तवा गरम करने के लिए रख दिया था, मेरा तवा बिल्कुल गरम है। आप देखें कि बहुत ज़्यादा हीट गरम भी ना हो और बहुत ठंडा भी तवा ना हो, अदरवाइज पराठा इतना अच्छा नहीं नज़र आता। तो ये अब मेरा पराठा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल रेडी है और तवे पे मैंने डाल दिया जो कि ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो अभी आप एक थोड़ी देर में देखेंगे कि ये एक साइड से रेडी हो चुका है। देखिए, एक कितना अच्छा सा, एक तरफ से इतना सा पक जाना चाहिए, इसको मैंने उल्टा दिया, पलट दिया। अब ये दूसरी तरफ से पलटेगा। इसके लिए आप
देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में बनाया जाता है या आप लोगों को पसंद है, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो ऑयल यूज़ करूँगी। ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप या जो भी आपके घरों में वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ दूसरे पराठे की भी तैयारी कर रही हूँ। जब तक ये कुक होता है उस वक्त तक मेरा एक और पराठा रेडी हो जाएगा। और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है और बहुत मज़े का बनता है। आप इसे 4 बजे की चाय के साथ यूज़ इस्तेमाल करें या सुबह नाश्ते में, और बच्चों को तो एज ए स्नैक्स, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते, बहुत तंग करते हैं, लेकिन अगर आप उनको इस तरह की कुछ चीज़ें बना के देंगे, ऐसा पराठा बना के देंगे, तो बहुत खुश होंगे और मज़े से खा भी लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और इसको थोड़ा सा राउंड राउंड में करें कि सारा ऑयल जो है वो चला जाए। फिर इसको करें हल्की थोड़ी सी लाइक मीडियम आंच पे बनाए। देखिए कितना खूबसूरत सा ब्राउन सा रेड सा होना शुरू हो गया है। अगर आप लोगों को ज़्यादा क्रंची पसंद है तो थोड़ा सा और कुक कर लें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोगों को इतना क्रंची पसंद नहीं आता, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल भी रख सकते हैं। और ये देख लें मेरी दोनों साइडें कितनी अच्छी बन गई हैं। ये हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है, दोनों साइड बिल्कुल सही तरीके से पक गई हैं। आप देख सकते हैं ये साइड भी कितनी अच्छी है और ये साइड भी, बोथ साइड बहुत अच्छी खूबसूरत सी रेड कलर की हो गई है। इसको मैं, आप नीचे कोई प्लेट ले लें और उसके ऊपर टिश्यू रख लें, क्योंकि ऑयल होता है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी था, तो ये पराठा रेडी है। इसको मैं, अभी बहुत गर्म है वरना मैं आप लोगों को इसको, आप इसको ऐसे, बहुत अभी गर्म है तो मैं इसे खोल नहीं सकती, वरना मैं आपको अंदर से भी दिखाती कि ये कितना अच्छा अंदर तक कुक हुआ है। पराठा देख सकते हैं कितना अच्छा सा मज़े का कुक हो चुका है। और ये देखिए, और इसे लेके खाएं, मज़ा करें। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।